दोस्तों, रोड बनाने के बाद कुछ सालों में वह रोड की कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है। ऐसे में उसका रिकंस्ट्रक्शन और समय समय पर उसकी क्लीनिंग करने में बहुत ही समय और मेहनत लग जाती है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है, ऐसी मशीनों को मैन्युफैक्चर किया गया है जो कि रोड मेंटेनेंस और क्लीनिंग करने में बहुत ही इंजीनियस वर्क करती हैं। रोड की मेंटेनेंस करना बहुत ही जरूरी होता है जिससे कि दुर्घटना कम हो और लोग की जान न जानी पाए। आज हम आपको ऐसी इनक्रेडिबल मशीन्स दिखाने वाले हैं जो कि कुछ ही समय में रोड की रिपेयरिंग के साथ साथ उनकी क्लीनिंग करने में सक्षम है। आइए शुरू करते हैं आज की स्पेशल वीडियो को जिसका टाइटल है टॉप इनोवेटिव रोड रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस टेक्नोलॉजीज। उसके पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचती रहे। बारिश के मौसम में पानी के बहाव के साथ साथ कूड़ा कचरा भी बहता है जो कि रोड के साइड में जम जाता है, जिससे कि रोड की चौड़ाई कम हो जाती है और आने जाने में समस्या होती है। इसी चीज़ के लिए यह रोड ब्रश स्वीपर मशीन बहुत ही इंजीनियस वर्क करती है। इस मशीन में ब्रश लगे हैं जो कि रोड के साइड में जमे कचरा को साफ कर देती है, और इस मशीन में वैक्यूम का सिस्टम दिया गया है जिससे कि कूड़ा कचरा इस गाड़ी के कंटेनर में ही कलेक्ट हो जाता है। इस मशीन में डुअल ब्रश लगे हैं, इसलिए दोनों साइड की सफाई एक साथ हो जाती है। यह मशीन रोड क्लीनिंग करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसके द्वारा बहुत ही कम समय में लंबी दूरी तक सफाई की जा सकती है। दोस्तों, RCC रोड बनाने के लिए सरकार को बहुत पैसा लगाना पड़ता है और समय समय पर उसके मेंटेनेंस के लिए भी ध्यान देना पड़ता है। उसी चीज़ को इस मशीन ने काफ़ी आसान कर दिया है। यह ब्रिक्स लेयरिंग पेविंग मशीन कंक्रीट की ईंटों की रोड बना देती है। इस मशीन में वर्कर्स द्वारा ईंटें सेट की जाती हैं जिससे कि यह मशीन आगे बढ़ते हुए रोड को कंस्ट्रक्ट कर देती है। दोस्तों, यह मशीन काफ़ी तेज़ी से काम करती है और हर एक मिनट में 13 फीट की रोड तैयार कर देती है। इन कंक्रीट के ईंटों की रोड बनवाने से समय और खर्चा कम लगता है, साथ ही साथ यह रोड काफ़ी समय तक मेंटेन रहती है जिससे कि देश की इकोनॉमी बैलेंस रहती है। रोड के साइड में जो पेड़ लगे होते हैं वह देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ हमारे वातावरण के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हैं। इन पेड़ों की पत्तियां सूखकर रोड में गिर जाते हैं जिससे कि गाड़ियों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यह लीफ कंटेनर मशीन रोड में पड़े पत्तियों की सफाई करने के लिए बहुत ही कारगर काम करती है। इस मशीन में वैक्यूम का सिस्टम ऐड है जिससे कि यह रोड में पड़ी सभी पत्तियों को वैक्यूम करके अपने कंटेनर में कलेक्ट कर लेती है। रोड के साइड में पत्तियों को हटाने के लिए यह मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है और बहुत ही कम समय में लंबी दूरी तक सफाई कर देती है। दोस्तों, इस मशीन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। समय समय पर रोड की धुलाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है जिससे कि रोड में गंदगी ना हो और हमारा एरिया साफ और स्वच्छ हो। रोड की धुलाई करने के लिए यह वाटर प्रेशर वॉशिंग मशीन बहुत ही यूजफुल है। इस मशीन का वाटर प्रेशर काफ़ी हाई होता है जिससे कि रोड की सफाई काफ़ी बारीकी से हो जाती है। इस मशीन के टैंकर में 2500 गैलन पानी आ जाता है, इसीलिए एक बार पानी भरने के बाद ही काफ़ी लंबी दूरी तक धुलाई हो जाती है। दोस्तों, इस रोड वॉशिंग मशीन को हमारे शहरों की रोड की धुलाई करने के लिए यूज़ में लाना चाहिए जिससे कि हमारा शहर साफ और स्वच्छ रहे। दोस्तों, शहर में सफाई होने से लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे, लोगों में कोई बीमारियाँ नहीं होंगी। इस मशीन के बारे में आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। रोड के नीचे बनी गटर में सफाई या फिर रिपेयरिंग करने के लिए उसके कवर को खोलने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसी चीज़ के लिए यह मैन होल मशीन बहुत ही इनक्रेडिबल वर्क करती है। इस मशीन में लगे इस रोटेटर में शार्पी प्लेट्स लगे होते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से रोड में होल कर देते हैं जिससे कि गटर के कवर को निकालने में काफ़ी आसानी हो जाती है। इस मैन होल मशीन के द्वारा गटर के कवर को निकाल कर गटर में सफाई या फिर उसके मेंटेनेंस जैसे हार्ड वर्किंग को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ठंड के मौसम में बर्फ़ के गिरने के कारण रोड में बर्फ़ का जमाव हो जाता है जिससे कि गाड़ियां फिसलने लगती हैं और उनके आवागमन में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बर्फ़ को हटाने में काफ़ी समय और मेहनत भी लग जाती है। इसी चीज़ को इस स्नो प्लॉन्ग मशीन ने बहुत ही आसान कर दिया है। इस मशीन में रोटेटेबल प्लेट्स लगे होते हैं जो कि बर्फ़ को रोटेट करके साइड करते जाते हैं जिससे कि सफाई काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। दोस्तों, यह स्नो प्लॉन्ग मशीन ठंड के मौसम में रोड से बर्फ़ को साइड करने में बहुत ही कारगर कार्य करती है। दोस्तों, एक चीज़ तो है कि रोड के साइड में गार्डन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। गार्डन में जो पेड़ लगे होते हैं उनको शेप देने से लुक काफ़ी अच्छा हो जाता है और देखने में बहुत ही शानदार लगता है। इन पेड़ों को एक बराबर साइज देने के लिए यह हेज ट्रिमर बहुत ही इंजीनियस वर्क करती है। इस मशीन में शार्पी ब्लेड लगे होते हैं जो कि पत्तियों को बहुत ही आसानी से ट्रिम कर देते हैं। यह मशीन बहुत ही लाइट वेट है जो कि एक व्यक्ति द्वारा हैंडल की जा सकती है। इस मशीन को आप अपने घर के गार्डन के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। पानी को एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाने के लिए रोड के साइड में नहर बनाई जाती है जिसमें कि काफ़ी समय मेहनत लग जाती है, लेकिन इसी चीज़ को इस रोलर ने बहुत ही आसान कर दिया है। यह रोलर मशीन मिक्सर के ऊपर रोलिंग करते हुए आगे बढ़ती जाती है जिसमें कि नहर काफ़ी तेज़ी से तैयार हो जाती है।
इन मशीनों के द्वारा नहर को बहुत ही कम समय में तैयार किया जा सकता है, जिसमें कि मेहनत और समय दोनों की बचत हो जाती है। रोड की सफाई करते वक्त धूल काफ़ी उड़ती है और काफ़ी लोगों को धूल से एलर्जी होती है, जो कि बीमारी का कारण बनती है। इसी चीज़ के लिए मशीनों को और भी एडवांस कर दिया गया है। इन SPW डस्ट मशीन के द्वारा सफाई करने से धूल नहीं उड़ती है। दोस्तों, इस मशीन में ब्रश के साथ साथ वाटर स्प्रे लगा है। नीचे धूल में पानी पड़ने से धूल नहीं उड़ती है। इसके साथ ही इसमें वैक्यूम का सिस्टम ऐड है, जो कि रोड में पड़ी धूल और मिट्टी को अपने कंटेनर में ही कलेक्ट कर लेती है, जिससे कि सफाई काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती है। दोस्तों, यह थे रोड मेंटेनेंस और क्लीनिंग करने के एडवांस मशीनें। इन मशीनों में से सबसे बेस्ट और यूजफुल मशीन आपको कौन सी लगी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्क्रीन पर आ रहे चैनल के लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब तक हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो के बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीन में आपको दो और वीडियोस दिख रही होंगी, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। इन्हें आप जरूर देखिए।